प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 मई बुधवार, पहला पाठ, संत पेत्रुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 18 से 25 तक। आप लोग जानते हैं कि आपके पुरखों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्य से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। वह संसार की सृष्टि से पहले तो नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके हेतु प्रकट हुए। उन्हीं के द्वारा आप लोग अब ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से इसलिए जिलाया और महिमान्वित किया है कि ईश्वर में आपका विश्वास, ईश्वर पर आपका भरोसा भी हो। आप लोगों ने आज्ञाकारी बनकर सत्य को स्वीकार किया और इस प्रकार अपनी आत्माओं को पवित्र कर लिया है। इसलिए अब आप लोगों को निष्कपट भ्रातृभाव, सारे हृदय और सच्चाई लगन से एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। आपने दोबारा जन्म लिया है। आप लोगों का यह जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं, बल्कि ईश्वर के जीवंत एवं शाश्वत वचन से हुआ है, क्योंकि लिखा है, समस्त शरीरधारी घास के सदृश है और उनका सौंदर्य घास के फूल की तरह। घास मुरझाती है और फूल झड़ता है, किंतु ईश्वर का वचन युग युगों तक बना रहता है। और यह वचन वह सुसमाचार है जो आपको सुनाया गया है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 32 से 45 तक। वे यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। ईसा शिष्यों के आगे आगे चलते थे। शिष्य बहुत घबराए हुए थे और पीछे आने वाले लोग भयभीत थे। ईसा बारहों को फिर अलग ले जाकर उन्हें बताने लगे कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी। देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं, मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। जबदी के पुत्र याकूब और योहन ईसा के पास आकर बोले, गुरुवर, हमारी एक प्रार्थना है, आप उसे पूरा करें।
ईसा ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम ये कर सकते हैं। इस पर ईसा ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और योहन पर क्रुद्ध हुए। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत पेत्रुस के पहले पत्र की अध्याय 1 से लिया गया था। आज के पाठ में संत पेत्रुस हमें बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। पाठ में आपने सुना, पेत्रुस कहते हैं, आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। पेत्रुस कहते हैं कि आप लोगों का उद्धार गलत विश्वास से उद्धार, अंधविश्वास से उद्धार, दुष्ट आत्माओं से उद्धार, पाप और बुराई से उद्धार सोने चांदी जैसे चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त पर हुआ है। पेत्रुस विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि यीशु ने अपने मूल्यवान रक्त बहाकर आप लोगों का उद्धार किया है। यीशु ने आपके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए अपने मूल्यवान तथा निर्दोष रक्त को बहाया और आज आप स्वतंत्रता महसूस करते हैं। इसलिए पेत्रुस कहते हैं, आप लोगों ने आज्ञाकारी बनकर सत्य को स्वीकार किया और इस प्रकार अपनी आत्माओं को पवित्र कर लिया है, इसलिए अब आप लोगों को निष्कपट भ्रातृ भाव सारे हृदय और सच्ची लगन से एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। पेत्रुस अपने लोगों को याद दिलाते हैं और हमें भी याद दिलाते हैं कि यीशु ने अपने मूल्यवान रक्त बहाकर हमारा उद्धार किया है। इस सत्य को आपने स्वीकार कर लिया है, इसलिए ठीक उसी तरह आपको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। यीशु का बलिदान हमें एक दूसरे को प्यार करने और क्षमा करने के लिए प्रेरित करता है। आगे पेत्रुस कहते हैं, आपने दोबारा जन्म लिया है। आप लोगों का यह जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं बल्कि ईश्वर के जीवन एवं शाश्वत वचन से हुआ है।
पेत्रुस कहते हैं कि आप लोगों को एक नया जन्म मिला है, आप पहले क्या थे आज आप क्या हैं, आपको एक नया जन्म मिला है और ये नया जन्म ईश्वर के अमर वचन के द्वारा हुआ है। हम विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 47 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है बल्कि तुम्हारा जीवन इस पर निर्भर है। पवित्र वचन हमारे लिए जीवन का कारण है, वचन के द्वारा हमें जीवन प्राप्त होता है। यौहन के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 63 में प्रभु कहते हैं जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है वही जीवन और आत्मा है। प्रभु की शिक्षा हमारे लिए जीवन और आत्मा है। इश्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 45 उसके वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाएं, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। आज मैं देखता हूं कि हजारों या लाखों लोग पवित्र वचन के द्वारा नया जन्म पाते हैं, नया जीवन प्राप्त करते हैं। मैं जानता हूं कि आप में से कितने ही लोगों ने अपने जीवन में नवीनता पाई है पवित्र वचन के द्वारा, ईश्वर की दिव्य वाणी के द्वारा। ईश्वर का वचन हमें जीवन प्रदान करता है, इसीलिए वचन में लिखा हुआ है आज आपने सुना समस्त शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य घास के फूल की तरह, घास मुरझाती है और फूल झड़ता है किंतु ईश्वर का वचन युग युगों तक बना रहता है। और ये वचन वह सुसमाचार है जो आपको सुनाया गया है। मनुष्य का सौंदर्य, मनुष्य का जीवन, सांसारिक चीजें मिटने वाली हैं लेकिन प्रभु का वचन शाश्वत है। सुसमाचार शाश्वत है, वो हमारे लिए शाश्वत जीवन के लिए हमें एक नया जीवन प्रदान करता है। हम पवित्र वचन को ध्यान पूर्वक सुने, हृदय में ग्रहण करें, हम स्वयं महसूस करेंगे उस पवित्र वचन के द्वारा हमें कैसे एक नया जन्म, एक नया जीवन प्राप्त होता है। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार की अध्याय 10 से लिया गया था। प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों को बार बार ये बताया था कि उनको दुख भोगना होगा, मार डाला जाना होगा और तीसरे दिन फिर जी उठना होगा। बार बार प्रभु के द्वारा ये बोले जाने से शिष्यों में बहुत डर छा गया था और विशेष करके यरूशलेम जाने के लिए उनके अंदर बहुत डर छाया हुआ था। आज के सुसमाचार में आपने सुना वे यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, ईसा शिष्यों के आगे आगे चलते थे, शिष्य बहुत घबराए हुए थे और पीछे आने वाले लोग भयभीत थे। फिर ईसा 12 को फिर अलग ले जाकर उन्हें बताने लगे देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं, मानव पुत्र महायाचकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। तो एक तरफ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने दुखभोग के बारे में शिष्यों को फिर एक बार बताते हैं और शिष्यों का घबराहट बढ़ जाता है, वे डर जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आगे आपने सुना जबदी के पुत्र याकूब और यौहन ईसा के पास आकर बोले गुरुवर हमारी एक प्रार्थना है आप उसे पूरा करें। ईसा ने उत्तर दिया क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। उन्होंने कहा अपने राज्य की महिमा में हमें दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए,
एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। एक तरफ प्रभु अपने दुख भोग के बारे में, उन पर होने वाले अत्याचार के बारे में शिष्यों को बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ दो शिष्य प्रभु से कहते हैं कि आप जब राज्य की स्थापना करेंगे हमें दाएं बाएं बैठाना। शिष्यों की मानसिकता देखिए, उनके अंदर भी अधिकार और पद के लिए लोभ था। प्रभु ने जवाब में क्या कहा? प्रभु ने कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। वास्तव में सच है, वे लोग यीशु को समझ नहीं पाए थे, यीशु के मिशन को समझ नहीं पाए थे, यीशु क्या के लिए संसार में आए इस बात को समझ नहीं पाए थे। यीशु ने आगे उनसे पूछा, जो प्याला मुझे पीना है क्या तुम उसे पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है क्या तुम उसे ले सकते हो। उन्होंने उत्तर दिया, हम ये कर सकते हैं। प्रभु ने पूछा, जो प्याला मुझे पीना है क्या तुम उसे पी सकते हो। ये कौन सा प्याला है? दुख का प्याला। प्रभु ने पूछा कि जो दुख का प्याला मैं पीने जा रहा हूं क्या तुम उसे पी सकते हो। जो बपतिस्मा मैं ग्रहण करने जा रहा हूं उस बपतिस्मा को तुम ग्रहण कर सकते हो। कौन सा बपतिस्मा है? उनकी मृत्यु का बपतिस्मा, घोर अत्याचार और मृत्यु का बपतिस्मा, यीशु से बपतिस्मा कहते हैं। शिशु ने कहा, हम कर सकते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम ये पी सकते हो और कर सकते हो, लेकिन जो स्थान मेरे दाएं ओर है और बाएं ओर है वह तैयार किया गया है, ईश्वर देगा। अब आगे इसकी प्रतिक्रिया सुनिए। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और यौहन पर क्रुद्ध हो गए, क्योंकि वे भी महत्वाकांक्षी थे, उनके अंदर भी पद और अधिकार के प्रति लोभ था। वे भी यीशु को इसी तरह समझते थे कि यह इसराइल के राज्य की पुनर्स्थापना करने जा रहे हैं और हमें भी अच्छे अच्छे पद मिल जाएंगे। वे भी पद के लोभी थे, इसीलिए वे आपस में झगड़ने लगे। ऐसे में यीशु ने उन्हें एक गंभीर बात समझाई, एक नए प्रकार के नेतृत्व के बारे में समझाया। यीशु ने कहा, तुम जानते हो जो संसार के अधिपति माने जाते हैं वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। हमें देखने को मिलता है, जिसको भी अधिकार मिलता है वो अधिकार जमाते हैं, निरंकुश शासन करते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी, तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वो सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रभु यीशु ने कहा, संसार में सत्ताधारी लोग निरंकुश शासन करते हैं और अपने अधिकार को जताते हैं, जमाते हैं, लेकिन तुम लोगों में ऐसा नेतृत्व नहीं होना चाहिए। मैं संसार में सेवा लेने नहीं बल्कि सेवा करने और इस संसार के लिए अपने आप को अर्पित करने आया हूं। इसीलिए तुम्हें भी अगर नेतृत्व करना है तो सेवक बनना है। यीशु का नेतृत्व सेवा का नेतृत्व है, निरंकुश शासन का नेतृत्व नहीं है। और यीशु के शिष्यों को भी सत्य को जानना जरूरी है। कलीसिया में भी ऐसे नेतृत्व की आज आवश्यकता है, सेवा करने के नेतृत्व, सेवक का रूप। कलीसिया के जो अधिकारी होते हैं
ये वास्तव में अधिकारी नहीं है, सेवक हैं। हम सभी सेवक हैं, लोगों की सेवा के लिए जिन्होंने अपने आप को अर्पित किया है, जो पुरोहित हैं, धर्म बहन हैं, धर्माध्यक्ष हैं, कलीसिया को अगुवाई करने वाले हैं, हम सेवक मात्र हैं, क्योंकि यीशु ने हमें यही सिखाया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। आज विशेष करके हमारे भारत के परिवेश के लिए यह वचन बहुत महत्वपूर्ण है। शीघ्र ही हमें एक नई सरकार मिलने वाली है। हम नहीं जानते कि कौन सरकार को चलाने वाले होंगे, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे अगुवा, हमारे नेता और अधिकारी और शासक यीशु के इस सुंदर उदाहरण का पालन करें। हम अपनी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया के अगुवा भी यीशु का अनुकरण करें। हम सभी अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई ना कोई जिम्मेदारी है, हम भी यीशु का अनुकरण करना सीखें। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।